कोई भी फिल्म लाहौर में रिलीज होने जा रही होती थी तो मुंबई में फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में रोक लिया करते थे क्योंकि उनको डर होता था कि लाहौर में बनने वाली फिल्म के मुकाबले में उनकी फिल्में फेल हो जाएंगी। क्या मैं फिल्म पत्तन जो 1955 में रिलीज हुई, ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर मशहूर एंकर मुबशर लुकमान के वालिद मोहतरम लुकमान साहब थे। एक और सुपरहिट फिल्म दुल्ला भट्टी जो 1956 में रिलीज हुई, मस्कुरा फिल्म बहुत अरसे तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए। एम इस्माइल फिल्मों में एज ए स्पोर्टिंग और करेक्टर एक्टर के तौर पर ही नजर आए। आप मंझे हुए अदाकार थे। आपने क्या में पाकिस्तान के बाद एक दर्जन से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आपने टोटल तकरीबन 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जो कि पाकिस्तान में बनी थी। क्या मैं पाकिस्तान से पहले आप तकरीबन 40 के लगभग फिल्मों में नजर आए। इस तरह आपने पूरे कैरियर में 170 के करीब फिल्मों में काम किया। एम इस्माइल को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर एक्टर व एक्ट्रेसेस के वालिद का किरदार निभाया है। आपके बारे में मशहूर था कि आप ज्यादातर बाप का किरदार ही करते हैं। कई फिल्म डायरेक्टर्स ने जब आपसे फिल्म में काम करने के लिए राब्ता किया तो आप डायरेक्टर से पूछते थे कि हीरो के बाप का किरदार करना है या हीरोइन के बाप का। 1964 में फिल्म डाची रिलीज हुई जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ जिसके बोल हैं टांगे वाला खैर मांगता। इस फिल्म में एम इस्माइल ने मरकजी किरदार निभाया था। इस फिल्म में आपका नाम लाई लग था और आप फिल्म स्टार नीलो के बाप बने हुए थे। ये एक कमाल की फिल्म थी। इस फिल्म का बहुत ही प्यारा डायलॉग जो नीलो ने अपने बाप एम इस्माइल से कहा कि अब्बा अम्मा नु हिसाब करना नहीं आंदा, जिस पर एम इस्माइल ने कहा कि दिए ताही ते रब ने इन्नू बेहसाबा दे रखे आई। एम इस्माइल साहब अपने आखिरी वक्त तक फिल्मों में काम करते रहे। आपका कैरियर 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुश्तमिल है, यानी आप 51 साल फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। आपकी आखिरी फिल्म आपके मरने के एक साल बाद रिलीज हुई जिसका नाम था मान जवानी दा जो 1976 में रिलीज हुई। मौका 22 नवम्बर 1975 को आप 73 वर्ष की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आपको लाहौर में ही दफन कर दिया गया। इस वक्त एम इस्माइल साहब को फौत हुए तकरीबन 44 साल हो चुके हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहला शख्स हूं जो YouTube पर ग्रेट अदाकार एम इस्माइल के बारे में वीडियो बना रहा हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मोहम्मद इस्माइल साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पुराने व नए अदाकारों के बारे में मुकम्मल मालूमाती वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो कि हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं, जिस पर क्लिक करके आप अपनी पसंदीदा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/fawazyoutube लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।